खरिया बस्ती का नशा मुक्ति विरोध करने वालों को बहुत बहुत बधाई, एक अच्छी पहल है। और खरिया बस्ती ही नहीं बल्कि गांव इलाके के कई गांव में नशाखोरी जो है नौजवान तबके को समझिए कि एकदम नशा के गोद में जा कर के फैला दिया है। इस परिस्थिति के अंदर में और नशा मुक्ति केंद्र के द्वारा जो भारत सरकार और सरकार के द्वारा जो नशा मुक्ति केंद्र वो भी फेल हो चुका है। मैं अपने स्तर से वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के स्तर से एक इस वार्ड के प्रतिनिधि के नाते भारत के नागरिक के नाते मैं अपने स्तर पे इस गांव के कई नौजवानों को समझाने का भी प्रयास किया, जो गलत काम करता उसको भी समझाने का प्रयास किया क्योंकि वो भी मेरे समाज के हैं। और जो खास करके अभी जो खरिया बस्ती में नशा मुक्ति हो रहा है वो समझिए कि बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। इसमें समाज के सभी लोगों को साथ देना होगा और मैं अपने स्तर से इससे पूर्व में भी जिला प्रशासन को कई मरतबा लिखित आवेदन दे चुका हूँ, जिसका फलस्वरूप ये रहा कि कई मरतबा पुलिस प्रशासन के द्वारा कई घर में छापा मारा गया है। प्रशासन के लोग जानते हुए भी उसको कुछ नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता प्रशासन के लोग भी हैं और हमारे समाज के सभी लोग भी उसमें संलिप्तता पाई जाती है। इसलिए पाई जाती है कि आप अगर कहीं पे कोई गलत काम हो रहा है तो उसका विरोध नहीं करते, खामोश हो जाते हैं। विधानसभा चुनाव में आपने बहुत कोशिश की थी कि आपको भी विधानसभा लड़ने का मौका मिले, टिकट मिले कांग्रेस की तरफ से, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया। इस बार भी आप दावेदार हैं जी, आपकी क्या कहना? मैं पार्टी के तरफ से मैं भी इच्छुक हूँ, मैं अपने तरफ से इच्छुक हूँ और आला कमान पे छोड़ दिया हूँ। आला कमान का जो निर्देश होगा मैं उसे पालन करूँगा। पार्टी हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और पार्टी का जो फरमान जारी होगा मैं उस पर तत्पर हूँ और रहूँगा। पार्टी की जीत, प्रत्याशी की जीत कैसे सुनिश्चित हो और हम लोग रणनीति के तहत रहेंगे, क्योंकि 10 आदमी हैं, हम लोग हर आदमी चाहता है कि टिकट हो। मैं भी उसमें इच्छुक हूँ, मैं भी दावा पेश किया हूँ और ये आला कमान पर निर्भर है। आला कमान साहब जिसको भी पार्टी के प्रत्याशी बनाएंगे मैं उनके साथ हूँ।